और कितने जनों को गिरफ्तार किया? इसमें देर रात्रि हमें सूचना मिली थी कि कोई दो व्यक्ति संदिग्ध हैं जिनके पास मादक पदार्थ या अन्य कोई धारदार हथियार या कुछ हो सकता है अवैध रूप से जो है, उस पर टीम द्वारा साथ में रहकर कार्रवाई की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार इस संबंध में दरगाह थाने को लेकर स्पेसिफिक रूप से दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं कि चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अंतर्राज्यीय आवागमन है और दरगाह थाना क्षेत्र मादक पदार्थ की तस्करी व उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा उसमें रहता है खबरों में, तो हम लगातार इस बात पे वॉच रखते हैं कि किसी भी तरह का कोई अगर इस तरह की कोई आवागमन है तो उस पर कार्रवाई की जाए, जिसको अंजाम देते हुए कल रात्रि दो व्यक्ति पकड़े हैं जिनसे 5 ग्राम MD जो कि बहुत ही सांद्र कंसनट्रेट सिंथेटिक है, NDPS है, और स्मैक है, उसके अलावा चरस 12 ग्राम और एक धारदार चाकू, बहुत ऑटोमेटिक चाकू है जिसकी धार बहुत तेज है, उसको गिरफ्तार जब्त किया है और गिरफ्तार किया है दोनों को। दोनों ही जो आरोपी हैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन अभी मुंबई मलाड में रह रहे हैं। क्या नाम है दोनों का? एक है तशरीफ आरिफ बेग और एक यूसुफ आसिफ शेख है, दोनों साथ ही थे, होटल में ठहरे हुए हैं कहीं गंज एरिया में, और जांच जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से कोतवाली थाना अधिकारी का। ये बेचने के लिए लाए थे या इन्होंने खुद ने अपने उपयोग के द्वारा? तो ये उपभोग के लिए लाना बताया है और अजमेर से ही खरीदना बताया है, जिसमें संबंधित के बारे में श्रीमान थानाधिकारी कोतवाली को सूचना दे दी गई है और वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे।